बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जी आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र हम भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह दिल से दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने अपने घरों में अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, और हर परेशानी बीमारी से अल्लाह पाक महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज ये बच्चे हैं ना मेरे पास हैं सुबह से, और सुबह से गई हुई है गुड़िया हॉस्पिटल, और बच्चे ना ज़रा उदास हुए हैं। जाएंगे? याद आ रही है मम्मा? याद आ रही है। बिल्कुल चुप हुआ, आवाज ही नहीं है इनकी, वरना अपनी मम्मा के सामने इतने शोर शराबा कर रहे होते हैं, अपनी अम्मा को तंग करते हैं बस। और बिल्कुल पता ही नहीं है जहांगीर कहाँ है, बात कहाँ है, वरना थोड़ी थोड़ी देर में ना बस ये एक दूसरे को छेड़ा छाड़ी करते रहते हैं। अभी इसने जहांगीर ने बात ने तो खाना भी नहीं खाया। बाहर नहीं खाया, मैंने बोला भी था क्या खाओगे बेटा? मम्मा याद आ रही है? अभी चलते हैं, हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो गुड़िया के ना अभी पिछले दिनों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी ना, बाय बोल रहा है कि सब खाऊंगा। अच्छा अच्छा चलो मैं मंगा दूँ। चलो अभी जाएंगे ना, फिर मैं खिला दूंगी, ठीक है ना? अंडे आलू बनाए थे तो दोपहर को तो उन्होंने खा लिए खुशी खुशी इस जहांगीर ने। तो अभी पिछले दिनों गर्मी हुई थी ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी हुई थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी हुई कि काफ़ी लोगों की हालतें भी ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा ना। जैसे जिनको ब्लड प्रेशर होता है तो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लोगों के हाई हो चल रहे थे, हो गए थे। तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अल्लाह का शुक्र है अब तो मौसम सही हो गया है, मगर ना गुड़िया को भी ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, क्योंकि किचन में भी काम कर रही थी, लाते थे पसीना आ रहा होता है ना, तो उससे इसकी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो अभी ड्रिप बताई डॉक्टर ने, अब देखो 5-6 उसकी ड्रिप लगेंगी। तो सुबह से गई हुई है हॉस्पिटल के लिए, अम्मी मत आना मज़ार उनके साथ है। अभी आज जो है ना अभी मोहतर गई है, मोहसिन गए मिलने के लिए, अभी वो लोग आ जाएंगे तो फिर मैं लोगों को लेके जाऊंगी। तो बच्चों के पास भी किसी का रहना ज़रूरी होता है ना हॉस्पिटल में, बच्चों क्या काम है, बच्चे फिर डिस्टर्ब करते हैं दूसरे। आप रुक के आप क्या करोगे रात को? रात को आप, मैं रुक जाऊंगी रात को, मैं आपके साथ रुकूंगी। मेरे साथ रुकोगे तो मैं वहां पे सोओगे कहाँ, लेटोगे कहाँ? हाँ चलो देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। चले चलो जी, आप सब लोग भी दुआ करिएगा अल्लाह पाक साथ खैर से तमाम अमलात जो है वो हो जाए। और एक माँ के लिए ना बहुत ज्यादा तकलीफ दे अमल होता है ये, और बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक जो है अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और सब काम जो है अच्छे से हो जाए। आप लोग क्योंकि आप लोगों की दुआएं चाहिए, बस दुआओं में याद रखिएगा। और सबके लिए तो मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अभी कुछ दिनों से मेरी आँख में भी पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आँख में ना दर्द सा हो रहा है, और इस तरह से मतलब हो रहा है, मतलब पानी से भी आ रहा है आँख के अंदर। तो वे आँख भी अपनी चेक कराने जाऊंगी, पत्नी आई साइट ठीक हो रही है, क्या मसला है, कुछ चाहिए क्या करें? ऐसे ना करो मम्मा के साथ भी, ताकि मम्मा भी देख के खुश हो। जा रहे मम्मा से मिलने, तो गिरी गिरी तो आले मम्मा कहेंगे गंदे आयो वहां दो। ये क्या बटन, क्या इधर दिखा, ये बटन गलत लगा है, बटन देखो ये ना देखो ऊपर नीचे हो रहा है, ये बटन देखो ये। मम्मा बोलेंगे लो एक दिन में जब वहां तो क्रीम लगाओ यहाँ पर ना सारे बटन खुलेंगे। कहा है मामी? वालेकुम सलाम। पर क्या कर? अच्छा तो बच्चों को मैं हॉस्पिटल लेकर आई, और बच्चे यहाँ पर अपनी मम्मा को देख के इतने खुश हो रहे थे ना, तो बस इनके चेहरों पे से सुकून सा आ गया था। भले कोई कितनी मोहब्बत कर ले, कितनी प्यार कर ले, कितना ख्याल रख ले, मगर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं भाई। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे। अभी गुड़िया की जो है ना जेठानी भी आई मिलने के लिए, और सब बारी बारी करके आ ही रहे थे मिलने के लिए। तो मैं यहाँ बच्चों को बाहर लेके जाना चाह रही थी खाना खाने के लिए, तो अभी फिर हम लोग बातें आते करने लग गए। इनकी जेठानी फल फ्रूट भी लेकर आई थी, तो ऐसे ही होता है अस्पताल में कोई आता है ना कुछ लेकर फ्रूट लेकर आ जाता है, तो काफ़ी सारे फल फ्रूट हो गए थे। और
गुड़िया इतना ज़्यादा घबरा रही थी, कहती नहीं मैं घर चलो, मुझे घर ले चलो, लाजमी होते हॉस्पिटल में इंसान मजबूरी के देती आता है। तो अभी जो है ना मैं बच्चों को उनकी पसंद से यहाँ पर खाना खिलाने लेकर आ गई थी, तो मैं कह रही थी भाई खा लो जो भी कुछ खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, क्या खाना है। तो बच्चे ज़्यादातर जो है ना ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे हैदराबाद में ना अभी ये सब डेली के नाम से भी यहाँ पर खुला है, यानी जैसे पहले हमारा ये सबवे था तो सबवे ख़त्म हो गया हैदराबाद में, ख़त्म हो गया था, तो अभी सब डेली के नाम से खुला है, मगर है चीज़ वही जो सबवे में होती थी ना, ऐसी सब कुछ फ्लेवर और जो यहाँ पर बन वगैरह है ना वो भी सब ऐसी फ्लेवर में, बस नाम चेंज कर दिया। चाहे हमारे हैदराबाद में नहीं था ना तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो फिर मैं कहती थी कि मैं जो है ना कराची जाऊंगी तो वहाँ पर मैं खाऊंगी, मगर अब अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर तकरीबन 3-4 थे तो 3-4 ही यहाँ पर ब्रांच थी इनके, ख़त्म हो गई, पता नहीं क्या वजह हुई यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और बड़ा इनको अच्छा लगता है इसका टेस्ट, क्योंकि एक तो सारी वेजिटेबल्स होती हैं इसके अंदर, फिर सारा टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, सॉसेस बड़े अच्छे होते हैं, और मुझे तो बहुत ही पसंद है ये। तो इससे ये तक पेट भी भर जाता है, दूसरा ये साफ़ सुथरा होता है और फ्लेवर भी बड़े मज़े का होता है। तो अभी हमने घर पे फ़ोन करके पूछ लिया था, तहसीन से अंबर भी आई हुई थी घर पे, तो हमने बोला इनके लिए क्या ले जाएं, और मोहतर वहीं हॉस्पिटल में थी तो मज़ार ले आए थे वहाँ पर उनके लिए रोल वगैरह, तो बाज़ार करीब ही है वहाँ पर। तो ये हॉस्पिटल वगैरह में तो ऐसी चीज़ें जैसे ड्राई चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा सही रहती हैं खाने में, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई रोटी सालन नहीं खाने को दिल करता। तो मैंने कहा था मैं इनके मैं ले आऊँ, तो कहने लगे मज़र चले गए थे, कहने लगे नहीं मैं ले आऊँगा अभी, आप जो है बस बच्चे को ले जाएँ। तो अभी हम घर जा रहे हैं और यहाँ पर ईद के जो है ना ये देखें माशाल्लाह रौनक, इतने ज़्यादा जानवर जो है ना रस्ते में खड़े हुए थे। अभी घर पे आई तो फिर ये तोते भी बेचारे भूखे थे, इनको मैं डालकर चली गई थी खाना, मगर अभी जो है ना जहांगीर ने भी इनको मिर्चें दी, फिर मैंने भी सेब वगैरह इनको दे दिया था। वो जो छोटे वाले तोते हैं ना ये भी माशाल्लाह से अभी इनके पैर आ रहे हैं, और इनको भी दाना वगैरह जो है ना वो डाल दिया था। तो अभी बच्चों को बस मैं सिलाने की तैयारी करूँगी, और अभी जो है ना ये दूसरे दिन की वीडियो है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज मटन काली मिर्च वाला, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का ये मल्टी ब्लेंड कुकिंग ऑयल है, और ये ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बड़ा रहता है तो ये जो लोग जो है ना, वैसे भी सब लोग जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी बिल्कुल प्योर है, नेचुरल है, और आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जमता नहीं है, और दूसरा ये है इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। आप इसमें पराठे सालन कुछ भी जो है ना बना के आप इसको खा सकते हैं, और अगर आपको मंगाना है चिल्तन प्योर का ये मल्टी ब्लेंड कुकिंग ऑयल तो आप मंगवा सकते हैं, और इसका जो है आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मंगवा सकते हैं, और आप 10 शबाना लिख के इसका कोड डालेंगे ना तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ जी मैंने एक भगोना लिया और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, और यही मैंने मल्टी ब्लेंड कुकिंग ऑयल डाला है, और इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले डालेंगे, खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पे मैं दालचीनी का टुकड़ा मैंने एक लिया था, इसको बीच में से तोड़ लिया, ये हम डालेंगे। अभी जो है ना फ्लेम मैंने बिल्कुल कम किया हुआ ताकि ये चीज़ें डालने के बाद है ना जलना शुरू ना हो जाए। 2 तेज़पात के मैंने छोटे पत्ते लिए हैं, 4 मैंने लिए हैं सब्ज इलायची, और यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी 2, उसको बारीक बारीक काट लिया, ये भी मैंने साथ ही डाल दी। अच्छा पहले मैंने गरम मसाला इसलिए डाला ताकि उसका जो है ना फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, और थोड़ा सा ये गरम ऑयल में हम डालते हैं ना तो दालचीनी का फ्लेवर, सब्ज़ी इलायची का, और जो हमने डाला है इसके अंदर तेज़पत्ते उसका फ़्लेवर आ जाए। बाकी हमने इसके अंदर कुछ चीज़ ही नहीं डाली, प्याज डाल के अभी मैंने इसको लो फ्लेम पे कर दिया है, तो तब तक मैं यहाँ पर जो है ना टमाटर लिया है एक मैंने बड़े साइज़ का, वो मैं काट रही हूँ। तो ये सालन है ना, आप जैसे अगर किसी का कोई सीज़र वगैरह होता है यानी डिलीवरी वगैरह में जो है ना बाद में भी आप इसको खिला सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। और इसको थोड़ा जो है ना आप इसमें ग्रेवी, आप जो है ना थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी में पतला करके आप इसको दे सकते हैं पेशेंट को, बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनता है। दूसरा ये है कि इसके ज़्यादा मिर्चें नहीं होती, और मटन में बड़ा मज़े का बनता है। तो अक्सर मैं जो है ना ये मटन काली मिर्च वाला मैं बनाती रहती हूँ, और अभी जो है ना यहाँ पर बच्चे भी ना खेल रहे हैं,
तो ये होता है कि जब माँ बाप थोड़े बच्चों से दूर होते हैं ना, तो ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है बच्चों का, कि बच्चों को किसी चीज़ का एहसास ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। और वैसे तो नाना नाना और नानी के जो है ना, बड़े चहेते होते हैं, और पोते भी बड़े चहेते होते हैं, तो बच्चों से बड़ी एक मोहब्बत होती है। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन 6-7 हरी मिर्ची ना लेकर, और इसको मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, इसको हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये हाथ के ब्लेंडर से मैं इसको जो है ना चॉप कर रही हूँ, और थोड़ी देर चॉप करने के बाद ना ये हरी मिर्ची हम जो हम मसाला भी हम बनाएंगे ना, इसमें हम शामिल करेंगे। तो अभी मैंने इसको चॉप करके रख दिया यहाँ पे जी। प्याज अभी मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं करी, तो इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया जो 2 चम्मच भर कर, और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे, और हमें ब्राउन नहीं करना इस मसाले को। तो यहाँ पर जो है ना, अभी मैं डालूँगी इसके अंदर मटन। मटन को मैंने अच्छे से धो लिया था। अच्छा, आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, मगर मटन में बड़ा ज़बरदस्त बनता है ये। और अभी जो है माशाल्लाह से हमारी ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, तो इसमें सभी के घर में कुर्बानी होती है। किसी घर में बकरी की होती है, किसी घर में काऊ की होती है। तो अल्लाह पाक कबूल करे, मगर आप जो है ना बना सकते हैं ये, किसी किसी भी मीट में आप बना सकते हैं। तो थोड़ी देर हम इसको जो है ना भूनेंगे, ताकि इसका जो कलर है ना मटन का, वो चेंज हो जाए, यानी थोड़ा सा जो है ना इसका कलर लाइट ब्राउन पे आ जाए। तो तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अच्छा, इसको जो है ना थोड़ी देर हम इसलिए इसको कलर चेंज करते हैं, क्योंकि मटन के अंदर एक कुछ ना मखसूस सी एक स्मेल होती है, तो ताकि वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन में हम इसको भूनते हैं। यहाँ पे जी मैंने मिर्ची जो चॉप की थी ना, अब मैंने मिर्ची डाल दी, और जो टमाटर काटा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर छोटे टमाटर हैं तो आप 2 ले सकते हैं, वरना मैंने एक बड़ा टमाटर लेके ना इसको काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसको जो है हम इसको चलाते रहेंगे मटन के साथ। तो बस जी, सबके लिए मैं कहती हूँ कि सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करनी चाहिए, और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। यहाँ पे जी मैंने लिया है 4 मगज़, जिसे खरबूजे के बीज भी कहते हैं शायद। तो ये मैंने तकरीबन है ना 1 टेबल स्पून भर के ना मैंने प्याली में डाल दिए, और थोड़ा सा मैंने जो नॉर्मल पानी होता है ना उसके अंदर मैंने भिगो दिए। तो तब तक यहाँ पर मटन जो है गलेगा, जब तक है ना ये बीज हम भिगो देंगे। यहाँ पे जी ये 10 के मसालों में से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दक्कनी मिर्चें, ये मैंने आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं मटन के अंदर। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक, तो 1 छोटा चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया। पानी डालेंगे हम इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास भर के। आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने मटन के हिसाब से, क्योंकि बाज मटन का ऐसा होता है कि बहुत छोटे जानवर का जो है ना गोश्त होता है, कुछ बड़े जानवर का होता है, तो गलने में थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे आधी प्याली है ना मैंने लिया है दही, और ये पैकेट वाला दही है, तो वो भी मैंने आधी प्याली लिया है। इसको लेकर अच्छे से मिक्स करके इसको जो है इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, ताकि अगर कोई गुठली वगैरह ना हो तो वो अच्छा सा घुल जाए। तो जी मटन में बस यही चीज़ें डाल कर ना हम इसको गलने के लिए रख देंगे। इतना पानी डालेंगे कि ये गल जाए। आप चाहें तो प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अभी हमारे खाना खाने में काफ़ी टाइम है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं जो है ना इसको धीमी आंच पे मैं गल पकने दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ना कवर करके तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट इसको जो है ना मैं पकने दूँगी। तो वो ढक्कन इसमें फ़िक्स नहीं होता, मैंने दूसरा ढक्कन जो है वो इसका चेंज कर दिया। और एक यहाँ पर मैंने लिया है तवे, मैंने गरम करके ना मैंने 1 चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी। तो अभी मेरे पास साबुत धनिया ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने अभी मंगवाया है, तो वरना मैं दोनों चीज़ें साथ में ही ना इसको ड्राई रोस्ट कर लेती। यानी इसको इसके अंदर हम साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है ना दोनों बराबर लेकर उसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये मैंने अभी मंगवाया था, तो फिर ये थोड़ा टाइम लगा इसको आने में। तो यहाँ पर ये तकरीबन मैंने ये भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है साबुत धनिया, और दोनों बराबर मैंने लेकर ना इसको मैंने भून कर, और इसको हम कूट लेंगे, या फिर आप मिक्सर में जो है ना इसको पीस लें। ज़्यादा हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, हल्का दरदरा जो है ना हमें इसको रखना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये पत्थर का कहते हैं ना चट्टू बट्टा, तो आपको आप अपने इसमें ज़बान में क्या बोलते हैं, क्योंकि सब के जो है ना अलग अलग इसको कुछ कहते हैं। तो
हम लोग इसको बोलते हैं चट्टू बट्टा, तो इसको मैं जो है ना इस डंडे की मदद से अच्छा सा कूट रही हूँ। अच्छा, कभी ज़्यादा मुझे जो है ना जल्दी होती है ना, तो फिर ऐसा भी होता है कि मैं एक थैली में ना ये डालकर और ऊपर से जो है ना डंडे से इसको कूट लेती हूँ। तो अभी जो है ना मैंने पत्थर कहीं निकाल लिया, इसमें मैं कूट रही हूँ, ये मैंने कूट कर रख लिया। और यहाँ पर जी मैंने जो चारों मगज़ थे ना उसका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया, तो इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्याली में। और इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे बारीक, तो हल्का सा थोड़ा दरदरा होगा, ये बिल्कुल बारीक नहीं पिसता। तो यहाँ पे जी मटन को पकते हुए ना तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गया और लो फ्लेम में हमने इसको पकाया था। अच्छा, जब भी आप गोश्त बनाएं इसको गलाने के लिए आप इसको कवर करके रखें ना, तो बिल्कुल एक उबाल आने के बाद लो फ्लेम में पकने दो, तो अच्छे से अंदर से जो है ना ये गल जाता है। अभी मैं गोश्त चेक कर रही हूँ, गोश्त जो है वो गल चुका है, हड्डी भी इसने छोड़ दी है। तो ये गोश्त जो है ना अच्छे से गला लेना है। तो अब जो है हम इसको बस इसको हम भूनना है, तो अभी ढक्कन खोल कर ना हम इसको आपस भूनेंगे। तो ज़्यादा हमें तेज़ फ्लेम में हमें नहीं करना, वरना इसका जो रोगन है ना वो इसका उड़ना शुरू हो जाता है। और जो हमने चारों मगज़ हमने पीस कर रखे थे वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे, और प्याली में जो थोड़ा सा बचा था ना वो भी हम थोड़ा सा पानी डालकर वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो यहाँ पर जो हमने साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा लिया था जो दोनों हमने कूट लिए थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और आधा छोटा चम्मच है ना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, और यहाँ पे आधा चम्मच मैंने डाली है काली मिर्चें। तो जी ये डालने के बाद जो है अब हम इसको बस भुनाई शुरू करेंगे। और यकीन करें आप इसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसे मसाले नहीं डलते, इसके अंदर हम हल्दी नहीं डालेंगे, ना ही इसके अंदर हम लाल मिर्च शामिल करेंगे, ना कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे, और ना ही कुछ और गर्म मसाले वगैरह हम ज़्यादा डालेंगे। और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है इसका। दूसरा ये है कि जो ऐसे बुज़ुर्ग हजरात होते हैं ना उनके लिए भी बहुत ही ताकत वाला भी होता है, दूसरा टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, और बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। तो जब मैं बना रही थी ना तो बच्चे ये कह रहे थे कि अम्मी ये बिल्कुल जो है ना यानी फीका होगा या ऐसा होगा। तो जब मैंने बनाया ना तो ये बात को भी बहुत अच्छा लगा, और जहांगीर को, हसन को, सब ने जो है ना माशाल्लाह से खा लिया। अच्छा, ये जो है ना हमारे एक टाइम का खाना है, तो शाम को जो है ना हम कुछ और बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जी देखें सालन भुन चुका है और इसमें जो है ना रोगन आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं बारीक बारीक अदरक मैंने काट ली थी वो मैंने डाल दी, एक हरी मिर्च मैंने बारीक बारीक काट करना वो डाल दी यानी लंबान में। तो बस अब जो है ना ये फाइनल हो चुका है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटी ट्रे ले ली, ये मुझे ट्रे बड़ी अच्छी लगती है, आजकल जो है ना मैं आमलेट वगैरह भी बना के ना इसी में सर्व करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इसको निकाल रही हूँ, और ये देखें जी काली मिर्चों का मटन बहुत ही मज़े का बना है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक करना ना भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने फॉलो नहीं करा तो कुकिंग विद शबाना के नाम से मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे ये रेसिपी बना के आप मुझे तस्वीर इसकी दे सकते हैं ताकि आपके नाम के साथ ना उसकी तस्वीर लगा दें। तो मेरी कोशिश होती है जो मुझे तस्वीर भेजता है इंस्टाग्राम पे मैं उसकी लगाती हूँ और तहसीन लगा देता है। तो जी ये बन चुका है मटन काली मिर्चों का सालन, और इसको आप जो है गरम गरम चपाती के साथ या पराठे के साथ खाएं ना, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। और इस स्पेशल ईद पे ना आप ज़रूर अपने मेहमानों को बना के खिलाएं, दावतों में बना के आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अभी जो है ना मैं आपको खा के बताती हूँ कैसी बनी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं पकते हुए नहीं खाती, बस जब खाना बन जाता ना उसके बाद मैं सब कुछ चेक करती हूँ उसका टेस्ट, उसका सब कुछ यानी मतलब तभी चखती हूँ मैं, बीच में इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करती। हाँ, जब मैं चावल वगैरह बनाती हूँ बिरयानी तो तब मैं नमक चेक करती हूँ, बाकी सालन जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं इसको चखती। तो ये होता था कि हमने बड़ों से सुना है कि अगर बीच में हम कोई चीज़ खाना शुरू कर देते हैं ना तो उसमें से बरकत उड़ जाती है, तो हो सकता है कि हमारी अपनी बातों। तो जी यहाँ पर वीडियो एंड करती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।